हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ क्रोशे की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन। तो इसे बनाने के लिए हमें ऑड नंबर में चैन लेना है और सब पे आपको डबल क्रोशिया बना लेना है। मैंने यहाँ पे 23 चैन लिया है, 22 डबल क्रोशिया और 3 चैन, टोटल 23 डबल क्रोशिया हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हम एक दो दो चैन बनाएंगे। अब देखिए जो पहला वाला है इसको हम बैक लूप से इस तरह से लेंगे, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट को हम आगे से लेंगे। देखिए ये एक बार निकाला, फिर वापस इसी में हम दो बार निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से, और ये इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, फिर एक हम बैक लूप से लेंगे। बस यही हमारा पैटर्न है, एक बार हम बैक लूप से लेंगे और एक बार फ्रंट लूप से दो बार फंदे निकालेंगे। देखिए एक बार और ये दो बार। अगर आपको ज़्यादा मोटा चाहिए तो आप तीन बार भी कर सकते हैं, मगर दो बार में भी काफ़ी पफी हो जाता है। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार हम एक डबल क्रोशिया को बैक लूप से निकालेंगे और एक डबल क्रोशिया को हम फ्रंट लूप से दो बार, एक दो, देखिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे लास्ट में देखिए एक बैक लूप से बनाया। और ये जो चैन है, इस चैन में हम, जो हमारी तीसरी वाली चैन है, देखिए ये वाली, इस वाली चैन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो है। अब सेकेंड रो में क्या करना है, यहाँ पे फिर हम दो चैन बनाएंगे। देखिए एक दो, और फिर देखिए जितने हैं सब में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए देखिए, ठीक है, सब में हम इस तरह से डबल क्रोशिया। ये देखिए, ठीक है, तो बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने सेकेंड रो बना के कंप्लीट कर ली। अब वापस से यही दो लाइन आपको रिपीट करनी है। देखिए यहाँ पे हम दो चेन बनाएंगे, एक दो। ठीक है, ये हमने दो चेन बनाई, पहले वाले डबल क्रोशे को हम बैक लूप से लेंगे। आप चाहें तो पहले वाले को फ्रंट लूप से बना सकते हैं। देखिए इसको हमने इस तरह से लिया, अब सेकेंड वाले को दो बार बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ये एक बार लिया, फिर वापस से इसको हम दो बार। ठीक है, फिर इसे हमने बंद किया डबल क्रोशिया स्टाइल में, फिर एक को हम पीछे से ले लेंगे, फिर एक को हम फ्रंट साइड से दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दो बार लिया हमने, फिर इसे हमने बंद किया। ये देखिए, फिर वापस से इसको हम बैक लूप से लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले को हम फ्रंट लूप से, एक दो, फिर एक को हम बैक लूप से। ठीक है, देखिए तो इसको बना लेंगे हम इसी तरह से। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर ली। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन गई। तो मैं थोड़ी डिज़ाइन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने तीन डिज़ाइन बनाई। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है और बनाने में भी देखा आपने कितना आसान है। इसमें ज़्यादा छेद भी नहीं है, तो बच्चों के स्वेटर, ब्लैंकेट्स वगैरह में भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। पफी होने की वजह से आप इसे बॉर्डर में भी डाल सकते हैं। और एक और खासियत है कि आप सिर्फ थोड़ी सी डिज़ाइन, जैसे मान लीजिए हमें बाजू पर डालना है, तो ये तीन डिज़ाइन की एक पट्टी आप डाल सकते हैं, बीच में प्लेन बुन सकते हैं तीन डिज़ाइन की पट्टी। तो इस डिज़ाइन को आप कई तरह से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी। डिज़ाइन पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे ज़रूरी बात जिसका मुझे बेहद इंतज़ार रहता है, वो है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स। तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।